दोस्तों यहाँ पर है ना ये भवन हुआ करता था पूरे वाइट मार्बल का, जिसमें क्या है कि मतलब अब है ना उस भवन को यहाँ से है ना उखाड़ कर, मतलब जैसे सन 1761 ईस्वी में जब है ना सन 1761 ईस्वी में जब है ना राजा सूरजमल जी ने यहाँ पर अटैक किया था, तो यहाँ से है ना पूरी इमारत को है ना टुकड़ों में जैसे ना 1 2 3 नंबर डालकर ना उसको है ना उखाड़ कर यहाँ से ले गए थे सूरजमल, और उन्होंने वहाँ पर डिंग पैलेस में उसे असेंबल करवा कर, आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में यहाँ पर है ना सूरजमल भवन के नाम से उसे हमने ना आपको दिखाया था, वही इमारत दोस्तों यहाँ पर थी जो वाइट मार्बल की थी, उसे यहाँ से उखाड़ कर वहाँ पर असेंबल किया गया था। और भी कई इमारत थी जैसे है ना हमने ना आपको है ना जो नूर जहाँ झूला दिखाया था वो भी वहाँ से वो ताजमहल से उखाड़ के ले गए थे वो, और यहाँ से है ना कई इमारतें थी उन्होंने यहाँ से ना पूरी इमारतों को नष्ट कर दिया था दोस्तों। जैसे ना आपने ना वहाँ पर है ना जो हमने दिखाया था जो छोटी छोटी छोटे छोटे गेट्स थे वो इमारत वहाँ से है ना उन्होंने पूरी उखाड़ दी थी जो कि ना वहाँ पर असेंबल की गई थी, और कई इमारतें तो नष्ट कर दी गई थी। और चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना ये सारी जो आप है ना पोर्शन खाली देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ करता था उस समय पर है ना यहाँ पर इमारतें थीं जो कि अब है ना यहाँ से नष्ट हो चुकी हैं पूरी इमारतें, और यहाँ से कई रास्ते भी हैं जैसे देखिए जैसे एक दरवाज़ा हो रहा दोस्तों एक ये रहा, लेकिन जो है ना वर्तमान में ये दरवाजे यहाँ से बंद कर दिए गए हैं लॉक लगा दिए गए हैं, और जैसे एक जो दरवाज़ा देखिए ये कई है ना अंडरग्राउंड रास्ते थे जो कि अब है ना यहाँ से बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों ये एक कुआं था, जैसे एक कुआं देखो गोरा वहाँ पर एक कुआं ये है, और ये कुआं हमें है ना अंदर जाकर देखने को मिलेगा जो कि अकबरी कुआं वेल वेल बोल देते हैं उसे। और दोस्तों हमें है ना इसमें ना क्या कि गौर से देखे तो इसमें ना कई रास्ते बने हुए हैं, देखिए उधर से चारों तरफ से ना इसके ना रास्ते बने हुए हैं जो कि है ना अलग अलग रास्तों से यहाँ पे खुलते हैं, देखिए इसमें कई रास्ते बने हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, वो दरवाजे बने हुए हैं देखिए, जो कि जैसे है ना ये जो रास्ते थे वो अंदर की तरफ खुलते हैं इसमें। जैसे ये जो रास्ते थे वो अंदर की तरफ जैसे हम बाबरी की तरफ खुलते हैं इधर अंदर जाके, और कई ये रास्ते हैं जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं जो कि वर्तमान में मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें क्लोज कर दिया है। जैसे ये रास्ते हैं जो ये सीढ़ियों से ना मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, और कई है ना मतलब मिले हुए हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें जैसे ना आप है ना ये चीज़ें देख रहे होंगे, इसमें ये एक है ना क्या है कि जो आप छेद देख रहे हैं ये किसी इमारत के जैसे ना मतलब खांचे हुआ करते थे जो यहाँ से जैसे ना क्या है कि उसे रोका हुआ गया था, और जैसे अंदर से भी आप देख सकते हैं कि इस दीवार को ना होलो बनाया गया है, मतलब उतनी मतलब उसमें है ना वो रखी गई है कि मतलब सीढ़ियों के सहारे यहाँ से ऊपर जाया जा सके। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें कई रास्ते बने हुए हैं दोस्तों, जैसे एक रास्ता ये है दोस्तों यहाँ पर जो कि है ना अंदर है ना जैसे है ना वेल,
दोस्तों ये एक हॉल के रूम में अंदर है, ये मतलब एक कमरा बना हुआ है, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। ये अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें जो लोहे के जो गेट लगाए गए हैं वो अभी लगाए गए हैं, लेकिन पहले इसमें नहीं हुआ करते थे। मतलब झरोके भी बनाए गए इसकी और काफ़ी मतलब खुली इमारत है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्च बनाए गए हैं वो कलश नुमा बनाए गए हैं और चार खंभों। दोस्तों अगर हम है ना इतिहास जिससे जुड़ी और भी बारीकियों को समझने की कोशिश करें और जो आगरा का जो लाल फोर्ट है उसके इतिहास को और भी बारीकी समझने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जब बाबर ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था और 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और इब्राहिम को परास्त करके जैसे आगरा में अपना अधिकार जमाया था तो वो यहीं पर आकर रहे थे। लेकिन उस समय क्या था कि ये किला केवल है ना ईंटों का बना हुआ चार दीवारी वाला किला था, जो कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये ईंटें इस प्रकार के ईंटों का बना हुआ किला था। और फिर 1526 ईस्वी के बाद 1528 ईस्वी में क्या होता है कि उसकी है ना मौत हो जाती है, कोई भी रीज़न रहा होगा मतलब मौत हो जाती है। और फिर 1530 ईस्वी में हुमायूं की यहीं पर ताजपोशी की जाती है। 1530 ईस्वी की ताजपोशी के बाद उसी वर्ष जो शेर शाह सूरी होता है वो मतलब हुमायूं को परास्त कर इस मतलब पूरे हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी अपना कब्ज़ा कर लेता है। और क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद हुमायूं का जो बेटा होता है 14 वर्ष की आयु में अकबर है ना जो शेर शाह सूरी का जो सेनापति होता है उसे है ना सन 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में उसे परास्त कर हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लेता है। और अपनी जैसे है ना ये क्या होता है कि जैसे जब वो ये किला क्या होता है कि ईंटों का बना हुआ चार दीवारी किला होता है, लेकिन क्या होता है अकबर जब यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है तो वो क्या करता है यहाँ से है ना कई इमारतों को तोड़कर ये लाल बलुआ जो पत्थर आप देख रहे हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाता है अकबर। और जैसे यहाँ लाल बलुआ पत्थर से करवाता है और उसका जो बेटा जहांगीर होता है वो यहाँ पर जो आप वाइट मार्बल की जो इमारतें देखेंगे वो टोटल जो इमारतें थी जहांगीर और शाहजहां के टाइम में यहाँ पे करवाई गई थी। तो चलिए हम अंदर से भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो अकबरी महल का देखने में कैसा होता है और इसकी स्थापत्य शैली को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर है ना एक दो तीन चार मतलब तीन तो है ना जैसे ना दो बड़े दरवाजे बनाए गए हैं और एक गेट है ना कॉर्नर पे यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर है ना चार खंभों का सहारा लेकर इसके है ना छत को बनाया गया पाटा गया है। और इनके जो आर्च को देखा जाए जैसे इनकी जो गेट हैं लगभग देखिए ये उल्टे क्लश के नुमा बनाए गए हैं और कई है ना जैसे वो भिखाली बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उनको भी यहाँ पे बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि गालों के साथ में है ना यहाँ पे ना कुछ ऐसे प्रकार की आकृति बनी हुई है जो कि है ना समझ में नहीं आ रहा मतलब किस काम के यूज़ में लाई जाती होंगी, आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये है ना क्या है कि लोहे के गेट बनाए गए जो कि है ना प्रजेंट में ही लगाए गए हैं और कुछ जो गेट हैं जो कि ब्रिटिश काल में लगाए गए थे। बाकी जो इमारत बनाई गई है वो काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे यानी आप देखिए ये इसको है ना फिलहाल है ना अभी मतलब कुछ समय पहले ही बंद किया गया होगा क्योंकि यहाँ पे टूटने का डर रहा होगा। और ये भी हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ पे मतलब रूम बने हुए हैं और कहीं ऊपर जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं हम बाहर की तरफ और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों है ना यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था, जैसे देखिए आप यहाँ पे ये दिख रहे होंगे ये नाली नुमा अगर थी जैसे क्या होता था कि जैसे जब बरसात होती थी तो जब सारा पानी है ना यहाँ पे भर जाया करता था तो यहाँ पर ना कई नालियाँ बनाई गई हैं
और कई अंडरग्राउंड जैसे हैं कि क्या होता है कि जो बरसात का पानी हुआ करता था बाहर जाकर जमुना में ही मिल जाया करता था। और दोस्तों यहाँ पर भी है ना कई झरोखे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इस नुमा झरोखे देखिए, ये दोस्तों वेंटिलेशन के लिए यूज़ में लाए जाते थे। और दोस्तों ये है ना इसके अंदर जाने का रास्ता है जो कि है ना आपने बाद में देखा वहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत। और जैसे ना ये रास्ता भी यहाँ से है ना ऊपर जाने का, लेकिन है ना प्रेजेंट में ये रास्ता है ना बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ पे जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो कि है ना जो राजा सूरजमल थे, जो कि जाटों के राजा थे, उन्होंने यहाँ पे ना कुछ इमारत को डिस्ट्रॉय कर दिया था और कुछ इमारतें यहाँ पे अभी भी सेफ हैं। तो जो बाकी का जो हम आपको दिखाएंगे वो भाग टू में दिखाएंगे, लेकिन इसका है ना मैं आपको है ना बारीकी से सारी चीज़ें समझा कर पूरी डेफिनेशन के साथ हम आपको समझाते हैं। दोस्तों क्या है इसके ना विषय शैली को समझा जाए तो जो आयताकार रूम बनाया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर कई है ना जैसे ऊपर देखें तो ये कई है ना मतलब क्या कहते हैं उसे आकृति बनी हुई है, जैसे घोड़े के नुमा आकृति, जैसे ये घोड़े के शीश के नुमा आकृति बनी हुई है। और इसे है ना क्या है कि गाटर नुमा लगाकर उसे है ना पूरे रूम को पाटा गया है। और दोस्तों इसमें क्या है कि एक देखिए इसमें क्या है एक दो तीन चार पाँच छः सात और सात गेटों को यहाँ पर बनाया गया है। और दोस्तों देखा जाए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों को मिक्स करके बनाया गया है, जैसे कि हम लोग जैसे देखेंगे कि ये हिंदू शैली को पूरा दर्शाया जाता है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ है ना आकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि है ना हिंदू शैली से संबंधित रखी जा सकती हैं, जैसे ये देखिए फूलों की आकृति जो लोटस होता है और त्रिशूल तीर, और कई जो आकृतियाँ हैं जो यहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ करता हुआ दोस्तों जो कि मतलब टूट चुका है। आइए हमारे साथ और आगे निकलने का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया था, जैसे ये जिंदगी नाली जो कि पानी मतलब बाहर है ना यमुना नदी में रही होंगी उस टाइम पे, जो कि है ना युद्ध या किसी भी नीति के कारण यहाँ पे है ना नष्ट हो गई, लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये इमारत खराब ना हो उसके लिए भी यहाँ पे है ना क्या है कि पानी के निकालने का साधन बना दिया गया है दोस्तों। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारी इस वीडियो को कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप है ना वीडियो को देख लेते हैं लेकिन कमेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और हम आप आगे भी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जैसे ना ये तो भाग एक था जो रेड फोर्ट का, अगली वीडियो में भाग टू में हम जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।